कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। हम भी अपने डेस्टिनेशंस पर अब आ रहे हैं धीरे धीरे। जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें से दो तीन इन्फॉर्मेशन आपको बतानी छूट गई थी, जो विद्युत सेवा आयोग में मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम पर। कल जो बात हुई थी मेरी, आपने बोला था कि बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए भी एक बार बात कर लेना कि क्या बीटेक वाले स्टूडेंट्स आज अब जो जेई का पेपर होगा उसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसा भाई देखिए, अभी भी मतलब टिल नाउ आज के डेट की अगर बात करें 31 मई 2023, मतलब आज तक अभी ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट विद्युत सेवा आयोग के पास नहीं गई है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन के पास कोई ऑफिशियल लेटर गवर्नमेंट का नहीं है। तो इसलिए इस बात से आप निश्चिंत रहें, ऐसा अभी तक कोई भी मतलब टिल नाउ अभी तक कोई भी ऐसा अपडेशन नहीं है जिसमें यह बोला गया हो कि बीटेक वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे फॉर जेई। मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो, तथ्य कुछ भी कहे जाएं, बातें कुछ भी की जाएं, लेकिन जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स आपका यही है कि अभी तक नहीं है, ऑफिशियली अभी नहीं है। हाँ, ये डिमांड है बीटेक स्टूडेंट्स की तरफ से, बीटेक संघ की तरफ से ये आपका डिमांडेशंस है। और अभी पीसीएल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे डिप्लोमा भाई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप पढ़िए, नए सब्जेक्ट नए कॉन्टेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पीसीएल की तरफ से ये आपको एक तरीके से आईना है, मिरर है, उन्होंने ये बता दिया है कि दे विल वर्क ऑन न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू सब्जेक्ट्स। और सभी टीचरों को भी, जो भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि सर आप अपने यहाँ नए सब्जेक्ट्स को पढ़ाना स्टार्ट करें अपने स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ पूरे यूपी के या फिर आउटसाइड यूपी के, कि आप लोग नए सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो, नए सब्जेक्ट पर काम करना स्टार्ट करो। अब आप ये कहेंगे कि पुराने सब्जेक्ट्स का क्या होगा, तो आप उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, आप उसके डीपीपीज लगाएंगे, डीपीपीज सॉल्व करके आप अपनी एक्यूरेसीज को बढ़ाएंगे। ओके, टेक्निकल के भी अब जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके भी अब आपके नए क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो चुके हैं और बन रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी सूचना है इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन के तरफ से। और मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट अब आजकल आपका प्रैक्टिकली आपको इवोल्यूशन लेगी। आपका थियरी तो आपके पास है, आप अगर किसी उस जेई से पूछें जो जेई सेलेक्ट हुआ होगा 2015 में, आप उससे स्ट्रेटजी पूछेंगे तो यही कहेगा कि भाई आरके राजपूत पढ़ ले, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन क्या ये फैक्ट्स है कि आरके राजपूत साहब, वीके मेहता साहब की सिर्फ किताब को पढ़ लेने से सिलेक्शन होगा? द आंसर इज नो, दिस इज द लॉजिकल फैक्ट्स। इसी पर बात हुई, बहुत सारी बात हुई, हमारी टीचर्स लोगों से भी बात हुई, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के, सभी का निचोड़ यही है कि नए सब्जेक्ट पर काम करना स्टार्ट करिए, जो करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ओके, और भी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आप बता दीजिए। हाँ, तीन जो लेटर्स हैं, छह लेटर्स मैंने दिया है, छह ज्ञापन दिया है, तीन शक्ति भवन में और तीन आपका यहाँ पर विद्युत सेवा आयोग इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन में। तीनों लेटर आपको पता ही है और तीनों लेटर एक्सेप्टेड भी है। अभी जो करंट न्यूज़ है वो एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस लेटर को वो लोग फॉरवर्ड करेंगे आगे। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अ पॉजिटिव न्यूज़ विल कम शून। TZ2 की एग्ज़ाम के अपडेट्स की बात करें, वो आपकी बहुत जल्दी इसी महीने या फिर नेक्स्ट महीने में आपका शेड्यूल्ड होगा, क्योंकि प्रोसेस्ड में जब हो चुकी हैं सारी चीज़ें तो पटरी पे आ चुकी हैं। असिस्टेंट इंजीनियर AE की अगर मैं बात करूं तो AE की वैकेंसीज पहले आएगी। UPRVNL AE का जो इंटरव्यू डेट है वो आपका जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट वीक उन्होंने एक डेडलाइन दे रखा है, उसके बीच में वो लेंगे इंटरव्यू। IITs कानपुर में ले सकते हैं या फिर देखते हैं, TTI पहले चलता था, अब IITs वगैरह भी इसमें इंक्लूड होने लगे हैं, तो कोई इशूज़ नहीं है। अपने तरफ से प्रिपरेशन सही के बच्चों को रखनी है अपनी, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो JEE और AE की वैकेंसी है PCL और RVNL कंबाइंड में, वो आपकी रेडी कर ली गई है। 900 के आसपास JEE है, लेकिन आएगी उतनी नहीं, 300 के आसपास मान के चलिए, ये अपडेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएं और अपना मेहनत सार्थक को जाकर आने का वापस। अभी तो मैं वापस लौट रहा हूँ घर पे, ठीक है, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपके साथ हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, इसमें कोई संदेह और दोहराई नहीं है। ओके, विश ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू।